आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि पाई आइडियो को आपको कैसे इंस्टॉल करना है। देखिए, पाई आइडियो को जब हम इंस्टॉल करते हैं डायरेक्ट क्लिप से, तब हम एरर पाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग एरर पाते हैं कि पाई आइडियो डॉट डब्ल्यू एच एल इज नॉट सपोर्टिंग विल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो फिर आपको करना क्या है कि अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, आपको वहाँ जाना है। उस लिंक पे क्लिक करते ही आपकी फाइल डाउनलोड होने लगेगी। अब आपकी पीसी में जो फाइल डाउनलोड हुई है, वो आप चाहे हमें डेस्कटॉप में जहाँ पे आपकी फाइल डाउनलोड हुई है, आपने जिस डायरेक्टरी में फाइल डाउनलोड की है, आप वहाँ पे जाएं। जैसे कि मैंने डाउनलोड नहीं किया था, आपको करना क्या है, उस पाई आडियो को खोलना है। यहाँ पे पाई आडियो 3737 है। अगर आप नहीं कराई पाइथन 3.7 वर्जन यूज़ करते हैं, पहले आप देख लीजिए कौन सा वर्जन है आपका पाइथन दिखाता है। जैसे हम आपको कमांड पाइथन, देखिए यहाँ पे पाइथन 3.7.4, मेरा पाइथन 3.7 है। तो फिर आपको करना क्या है कि P37 आपने एक फाइल डाउनलोड होगी, उसके डाउनलोड होते ही आपको जिस डायरेक्टरी में आप डाउनलोड किए हैं वहीं पहले शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आप ओपन ओपन कमांड विंडो दिया, और अब यहाँ पे आपको लिखना है पिप इंस्टॉल। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे पाया जो है, देखिए इस जब ये इम्पोर्टेंट है हमारे स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल के लिए है। इस स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए भी अगर मैं इसको रीनेम करूँ, आपको क्या करना है, यहाँ से इसका नेम कॉपी कर लेना है। देखिए उसके बाद अपना कमांड विंडो खोल लेना है यहाँ पे। जैसे कि मैं अपना कमांड विंडो खोल ली तो पाइथन खुल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, पिप इंस्टॉल यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है, और याद से इसके आगे डॉट डब्ल्यू एच एल भी लगा दीजिए। एंटर करते ही इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब मेरा देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है, मुझे भी प्रॉब्लम थी पर मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।